Hello guys, I am Dhruv Balde and you are watching 30 examination tips for CA students. This is part number 10. So, 29 tips hamare hue hain. Let's move on to tip number 30. Tip number 30 is that leave your question paper at your examination center. ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि question paper हम examination center पे क्यों छोड़ दें? हम जब exam कर लेते हैं, हमारा paper हम answer sheet दे देते हैं. उसके बाद उस question paper को देखने की कोई जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि उसमें time waste होगा. Simple. अगर हमारा पेपर बहुत अच्छा चला गया है तो हम देखेंगे कितने मार्क्स आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं, बहुत मजा आएगा हमको. और अगर हमारा पेपर बहुत गंदा गया है, बहुत बिगड़ गया है, तो हम सोचेंगे कि क्या होगा, कहीं तो 40 बन जाए, 40 बन जाए, टोटलिंग करते रहेगी नहीं, 40 हो रहेगी नहीं, तो कितना टाइम वेस्ट होगा. हमारे पास सिर्फ 1.5 डे है अगले एग्जाम के लिए, तो हम ये सब छोड़ के अगले एग्जाम की पढ़ाई करें ना. और अगर हमने पेपर को देख के पलटना शुरू कर दिया और फिर बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया, तो हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होंगे उस टाइम के लिए, भले वो अच्छे थॉट्स हैं गलत थॉट्स हों. तो इसलिए ये टिप बिल्कुल ध्यान रखना कि जो आपका जो सेंटर है उस पर छोड़ दो हमारे आंसर क्वेश्चन पेपर को, या फिर कुछ करो उसको संभाल के रख दो, बाद में देख लेना. क्योंकि आंसर जो क्वेश्चन पेपर है वो आप चाहो तो आपको बाद में ऑनलाइन मिल जाएगा, तो जरूरी नहीं कि उसको संभाल के रखें, सही ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में अगर हमें देखना भी हो. तो टिप नंबर 30 इज कि प्लीज उस क्वेश्चन पेपर को ध्यान मत देना. एक बार आंसर शीट चली गई आपके हाथ से, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है, भाड़ में जाए वो पेपर, हमें नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचना है. ओके, टिप नंबर 30 भी आपका खत्म होती है. अब मैं आपको देना चाहूंगा एक बोनस टिप, कंक्लूजन की टिप, के टिप नंबर 31. ये टिप वैसे तो आपको लगा क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, बट हाँ मैं टिप बिल्कुल देना चाहूंगा जो कि है वॉच ऑल द टिप्स अगेन. अगर आपके एग्जाम्स जस्ट आने वाले हैं तो हमने 30-40 मिनट्स में 30 टिप्स बनाई हैं, और इन टिप्स को आप वापस देखिए. 30-40 मिनट लगेंगे बट आपको सारी चीजें वापस से रिकॉल हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी कि आपको फॉलो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपने कौन सी चीजें उन टिप्स में से सीख ली हैं, कौन सी नहीं सीखी हैं. तो जो नहीं सीखी हैं शायद आप वो ट्राई कर सकते हैं कि मैं इस टाइम में सीख लूँ, इस टाइम में सीख लूँ. तो इसलिए टिप नंबर 31 इज वॉच ऑल टिप्स अगेन. 30-40 मिनट्स लगेंगे बट आपको थोड़ी बहुत चीजें जो आपने इंक्लूड नहीं करी अपनी शेड्यूल में वो इंक्लूड करने में हेल्प हो जाएगी. ओके गाइज, ये थी हमारी सारी एग्जामिनेशन टिप्स. आई होप आपको ये सारे वीडियोस पसंद आए होंगे. सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए. थैंक यू वेरी मच. आई सी यू सून.